एनवीडिया इंस्टॉलर कैन नॉट कंटिन्यू। अगर गाइस आपके भी सिस्टम में आपके कंप्यूटर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और एनवीडिया जीफोर्स एक्सपीरियंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है और बार बार कोशिश करने के बाद भी आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है जहां पर लिख के आता है एनवीडिया इंस्टॉलर कैन नॉट कंटिन्यू, इसका मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में ये वर्जन काम नहीं करेगा। और अगर आप कितनी भी ट्राई कर लें या मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन मुझे कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसे फिक्स कर लेंगे गाइस। तो गाइस इसे इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है गाइस, जो आपके वर्जन बता रहा है 3.25127। तो गाइस ये इसका मतलब क्या कहते हैं इसका वर्जन है। तो गाइस अगर आप इस वर्जन को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में तो बार बार आपके साथ यही प्रॉब्लम आएगी, तो इस वर्जन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है, देन आपको दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर देना है और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम हट जाएगी। मैं आपके सामने फिर से दिखा देता हूँ कि जब मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने ऐप को तो किस तरह की मुझे प्रॉब्लम आती है गाइस। तो ये रहा लेटेस्ट वर्जन, जैसे मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ समय के बाद इस प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी तो इंस्टॉल हो रहा है, इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं ना, जैसे मैंने इंस्टॉल किया और आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आ गई जहाँ पर लिखा है एनवीडिया इंस्टॉलर कैन नॉट कंटिन्यू। तो इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन सिंपल सी है कि आपको जाकर दूसरा एनवीडिया इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मतलब जी फोर्स एक्सपीरियंस का ओल्ड वर्जन जो है, जो कि मतलब लेटेस्ट वर्जन नहीं है, जो कि पुराने पीसी होते हैं या कभी आपके पीसी अपडेट नहीं होते, कभी कभार आपके कंप्यूटर में बग होते हैं, जो विंडोज़ में बग होते हैं, जैसे विंडोज 11 हो गया उसमें बहुत सारे बग हैं, तो कभी कभी मतलब इंस्टॉल नहीं हो पाता है किसी सिस्टम में जो अपडेट नहीं होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो कि ओल्ड वर्जन है, और जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एनवीडिया का मतलब सिस्टम है तो आपको लॉगिन ज़रूर करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने ही मेरा जो एनवीडिया इंस्टॉलर था वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा मेरा एनवीडिया इंस्टॉलर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये वर्क करता है। गाइस आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में ही खुल गया, ओपन हो गया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ अपना इंस्टॉलर। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ जी फॉर एक्सपीरियंस, तो कुछ समय बाद ये देखिए ओपन हो गया है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी आईडी लॉगिन कर ली है, और लॉगिन होने के बाद गाइस यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जो एनवीडिया शेयर है वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैंने कैसे उसे इनेबल किया है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपके भी प्रॉब्लम आती है और आप एनवीडिया शेयर ऑप्शन नहीं आता है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करने का गेम रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप कैसे उसे इनेबल करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किसको किस तरह से इनेबल किया है। तो इसे मैं काटता हूँ, और गाइस ये देखिए मैंने इस तरह से इनेबल किया हुआ है, और मैं चाहूँ तो अपना वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, अभी जो भी मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इसी के द्वारा रिकॉर्ड हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।